मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग TGT चित्रकला की तैयारी के लिए 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहा जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग जो होता है उसी को हर्मिका कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। कोलकाता स्थित विक्टोरिया स्मारक 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसके द्वारा बनाया गया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, विवान सुंदरम। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रिज्म का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। तो प्रिज्म का आविष्कार आइजक न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? यह सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में। तो मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, विश्व फोटोग्राफी दिवस। 19 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्योरोस्क्यूरो शब्द का क्या अर्थ होता है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एक चित्र में प्रकाश व छाया। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम संस्था कौन सी है? तो यहाँ सही विकल्प होगा राज्य ललित कला अकादमी। अगला प्रश्न है, भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1955। अगला प्रश्न है, चित्रण की किस विधि में रोगन करना अपरिहार्य होता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तैल माध्यम चित्रण। अगला प्रश्न है, जयदेव की किस रचना में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रतिमंजरी। तो जयदेव की रचना रतिमंजरी में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, भाव के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, किसका कथन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर विश्वनाथ जी का है। तो भाव के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, किसने कहा था? डॉक्टर विश्वनाथ जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के विषय में किसका मत है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हीगल महोदय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लय। लय समस्त कलाओं में, लय को समस्त कलाओं की आत्मा कहा जाता है। तो ललित कलाओं को समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कला सहजानुभूति है किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, क्रोचे ने। कला सहजानुभूत है, ये प्रतिपादित किया था क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रोदिन। द किस नामक मूर्ति 1889 में रोदिन द्वारा बनाया गया था और ये संगमरमर की मूर्ति है। अगला प्रश्न है, दादाबाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ज्यूरिख में। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी काले और सफ़ेद रंग के साथ करने वाले चित्रकार का नाम बताइए? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नसरीन मोहम्मदी। अगला प्रश्न निर्मित वास से संबंधित मूर्तिकार निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गेबो। अगला प्रश्न है, चित्रकार जान बारमियर द्वारा चित्रित यंग वूमेन विद ए वाटर जग किससे संबंधित है? तो
यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बरोक। अगला प्रश्न है वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मार्सेल धूसा को। मार्सेल धूसा को वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। अगला है भविष्यवाद का प्रेरिता कौन था, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मारिनेत्ती। अगला प्रश्न है उस कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मैक्स अर्नेस्ट। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विद्वान लेखक ओपोलिनेर ने किस घनवाद का किसे घनवाद का जनक माना है, तो बताइएगा कि प्रसिद्ध विद्वान लेखक ओपोलिनेर ने किसे घनवाद का जनक माना है, यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कुर्बे को। अगला प्रश्न है खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है, यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है विक्रमशिला महाविद्यालय महाबिहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विक्रमशिला महाबिहार की स्थापना जो किया गया था वो पाल वंश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है तंजौर की प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा किसके समय में भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है, यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी चोल। तंजौर की प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा चोल के समय की भारतीय कला की मुख्य धरोहर है। अगला है मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो मथुरा शैली में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है, यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी भागवत। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से प्राप्त नहीं हुई है, यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सोना जो है लोथल से प्राप्त नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है लास्ट फॉर लाइफ उपन्यास किस कलाकार के जीवन की कहानी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए वान गाग। तो उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ जो है ए वान गाग के जीवन की कहानी है। अगला प्रश्न है एम एफ हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आधुनिक। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कांगड़ा। अगला प्रश्न है हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली से संबंधित है, यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अलवर शैली। अगला प्रश्न है अजंता की चित्रकला किस कला से संबंधित है, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सातवाहन और गुप्त। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी स्पेन में। तो अल्तामीरा गुफा स्पेन में स्थित है और इस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित चित्र सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपके 35 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।